भाइयों और बहनों, आपने मुझे अपना सांसद बनाकर भी सेवा का मौका दिया है, इसलिए जब आप लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो मुझे दोगुनी खुशी मुझे हो जाती है, मुझे मेरा आनंद और बढ़ जाता है। काशी के जागरूक नागरिकों ने जिस तरह देश को दिशा देने वाला काम किया है, उसे देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है, न जनता का भला होता है। मुझे याद है 2014 में आने के बाद काशी में बाहर से आने वाले लोग सवाल करते थे कि यहां इतना कुछ अव्यवस्थित है, ये सब ठीक कैसे होगा, यही लोग पूछते थे ना। उनकी चिंता भी सही थी। बनारस में जिधर नजर डालो वहां सुधार की, बदलाव की गुंजाइश नजर आती थी। साफ लगता था कि बनारस की स्थिति सुधारने के लिए दशकों से कोई काम हुआ ही नहीं है। अब ऐसे में किसी और के लिए शॉर्टकट चुनना बहुत आसान था। लोगों को ये दे दो वो दे दो, इससे ज्यादा उसकी सोच जा ही नहीं पाती। कौन इतनी मेहनत करे, कौन अपना सर खपाए, कौन पसीना बहाए। लेकिन मैं बनारस के लोगों की दाद दूंगा कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया, सही रास्ता चुना। उन्होंने दो टूक कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठीक करे ही, भविष्य में भी कई कई दशकों तक बनारस को लाभ पहुंचाए। मेरे प्यारे काशीवासी भाइयों बहनों, मुझे बताइए, जो काम हो रहा है वो भविष्य के लिए भी काम आने वाला है ना? आने वाली पीढ़ियों को भी काम आने वाला है ना? यहाँ के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है ना? सारे हिंदुस्तान को काशी की तरफ खींच लाएगा कि नहीं लाएगा? सारा हिंदुस्तान काशी देखने आएगा कि नहीं आएगा? साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जब दूरगामी प्लानिंग होती है तो किस तरह नतीजे भी निकलते हैं। बीते 8 वर्षों में काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से कहां पहुंच गया है। इससे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी को लाभ हो रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, टूरिज्म में विस्तार हो रहा है। रिक्शा वाला भी कह रहा है, साहब दिन भर इतना काम मिल रहा है। व्यापारी कहता है, साहब 6-6 महीने का माल 1 महीने में बिक जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजी आई है कि नहीं आई है? और ये जो सड़कें बन रही है, ये जो गरीबों के घर बन रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछ रही है, इनमें जो सामान लगता है उससे सीमेंट, स्टील और निर्माण से जुड़े दूसरे उद्योगों का, छोटे मोटे दुकानदारों का, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। यानी ये वाराणसी और इस पूरे क्षेत्र में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। बनारस के लोग
जिस दूरगामी सोच पर चले, आज उसका लाभ पूरे क्षेत्र को हो रहा है। आज काशी के चारों तरफ देखें तो रिंग रोड, चौड़े नेशनल हाईवे हो, बाबतपुर सिटी लिंक रोड हो, आशापुर आरओबी, चौकाघाट, लहरतारा फ्लाईओवर, महरमूरगंज मनवाड़ी फ्लाईओवर, ये सब बनारस के लोगों का जीवन कितना आसान बना रहे हैं। रेल ओवर ब्रिज, वरुणा पर ब्रिज जब बन जाएंगे, इससे बनने से ये सुविधा और बढ़ने वाली है। आज काशी की तीन और सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है। इससे मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मिर्चापुर जैसे अनेक जनपदों से आना जाना आसान होगा और काशी में जाम की परेशानी भी कम होगी।